तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेद मंत्रों का स्वाध्याय हम सबके लिए परम कल्याणकारी है और इन वेद मंत्रों का जो अभिप्राय है जो तात्पर्य है वो हम सब मिलकर के एक साथ रहें एक साथ परस्पर व्यवहार करें किसी भी प्रकार का आपसी जो दुर्भाव है जो आपसी द्वंद्व है जो आपसी अहंकार है उससे हम बचें अपने उन्नति से लेकर के आत्म-उन्नति से लेकर के निज उन्नति से लेकर के समाज की उन्नति राष्ट्र की उन्नति और वैश्विक उन्नति आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की यह जो पावनी परंपरा है वैदिक विज्ञान की परंपरा है ऐसा हम अपने आचरण को कर सकें तो यह स्वाध्याय यही हमको शिक्षा देता है वेद मंत्रों में हम संगठन सूक्त के तीन मंत्रों तक स्वाध्याय कर लिए थे आज चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं ठीक है आगे चलें एक बार इस मंत्र को मैं लिख देता हूं सबके लक्ष्य और सबके हृदय संकल्प अविरोधी हो, विरोध से युक्त नहीं होने चाहिए हम सब एक ही पथ पत्थ के पथिक हैं उसमें किसी को कोई बाधा या अशांति नहीं होनी चाहिए इसलिए वेद मंत्र कहता है ओम समानी वा आकूति समानी व आकूति हृदयानी वह हृदयानी व

यथा वह सुसहासती आकूति कर दीजिए इसको ओम समानी व आकूति समी वह समान मस्तु मनो यथा वसुसहा सती हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा जिससे बढ़े सुख संपदा निश्चित रूप से यह वेद मंत्र हमको एक साथ वह आकूति समानी वह जो तुम्हारा आकूति संकल्प अध्यवसाय समानी समान हो तुम्हारे हृदयानी सबके हृदय क्या हो समान हो तुम्हारा मन भी क्या है समान हो तथा यथा जिस प्रकार से तुम्हारा सुसह संगठन समन्वय असती होवे तुम्हारे संकल्प समान हो तुम्हारे हृदय समान हो तुम्हारे मन समान हो जिससे तुम्हारा संगठन भी समान होगा अर्थात कोई भी व्यवधान नहीं आएगा संकल्प में बड़ी शक्ति है संकल्प यदि हमारा दृढ़ है संकल्प में यदि कोई खोट नहीं है संकल्प में यदि कोई विकल्प नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जरूर सार्थक होगा कहीं भी हो किसी हाल में हो किसी काल में हो अकेले में हो मेले में हो झमेले में हो हम कभी भी हताश निराश नहीं होते हैं अतः ये जो भाव है इस वेद मंत्र का तो मंत्र में संगठन के तीन मूल तत्वों का निर्देशन किया है यहां पर यदि हम संगठित रहना चाहते हैं विखंडित विघटित नहीं होना चाहते हैं आपसी फूट आपसी मतभेद मनभेद में अपने को नहीं रखना चाहते हैं तो इसके लिए तीन बातों पर विशेष मंत्र हमको संकेत कर रहा है पहला क्या है विचार साम्य हमारे क्या हो जो विचार हैं जो संकल्प हैं वो समान होने चाहिए और दूसरी बात क्या कही समानी व आकूति ही समाना हृदय व हम सबके क्या हो हृदय समान हो हृदय अर्थात जो विचार शक्ति है अर्थात जो संवेदना की शक्ति है हृदय साम्य होना चाहिए और तीसरा उपदेश है मना जो मन का साम्य है मन का साम्य समान मस्त वो मनो यथा सहसति। किसी भी संगठन के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है संगठित होने वाले समूह में विचारों की एकता लोग तो संगठित हो जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे हजारों नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठे हो जाएगी जुट जाएगी लेकिन यदि विचार समान नहीं होगे तो वही लाखों की भीड़ तितर बितर हो जाती है कोई उसका आशय नहीं होता है लेकिन जब एक विचारधारा होगी तो हजारों सैकड़ों या कुछ गिने चुने लोग ही हजारों लाखों में भारी पड़ जाते हैं क्योंकि उनका एक विचार है एक सोच के साथ एक जो है विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए मतभेद या विचार भेद तो वह संगठन कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता जिस संगठन में विचारों की एकता नहीं है विचारों में भेद है मतभेद है तो वह संगठन कभी भी दीर्घकाल तक उन्नति नहीं कर सकता है अतः लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य सबको संगठित रखेगा सब एक ही लक्ष्य में आगे बढ़ें दूसरी आवश्यकता हृदय की एकता है लक्ष्य भले ही एक हो लक्ष्य भले ही एक हो परंतु यदि हार्दिक प्रेम नहीं है हार्दिक सौहार्द जो कहते हैं सौहार्द परस्परता यदि नहीं है तो लक्ष्य तो एक है लेकिन फिर एक दूसरे की टांग खींचने का काम करेंगे एक दूसरे को फिर पसंद नहीं करेंगे इसलिए हार्दिक एकता बहुत आवश्यक है हृदय की एकता बहुत आवश्यक है हार्दिक एकता नहीं होगी तो लक्ष्य एक होने पर भी सफलता नहीं मिलती है अतः एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए हृदय की एकता भी अनिवार्य है और तीसरी बात क्या कही है मन की एकता यदि लक्ष्य एक है हृदय भी एक है सहानुभूति है एक दूसरे के प्रति पर यदि क्रियाशीलता नहीं है प्रेरणा नहीं है और प्रबुद्धता नहीं है तो वह संगठन कभी भी दृढ़ नहीं होगा वह धाराशाही होगा इसलिए निश्चित रूप से हमारे जीवन में यह मन बड़ा कार्य करता है मनो मनुष्याणाम कारण मंद मोक्ष यो हो कठोपनिषद में भी कहा कि मन प्रग्रह में वच मन ये मन जो है क्या है यह लगाम का काम करता है मन क्या है प्रग्रह आत्मान रथनम विधि शरीरम रथ में हो तू ये शरीर रथ है आत्मा आत्मान आत्मानम रथनम विधि रथ और हमारा जो है बुद्धिम तु सारथिम विधि मन प्रग्रह में ऊँचा बुद्धि क्या है बुद्धिम तु सारथिम विधि बुद्धि को सारथी मानिए और मन क्या है लगाम है इसलिए लगाम जिस ढंग से नियंत्रित की जाएगी उसी प्रकार से घोड़े चलेंगे लगाम को ढीला किया थोड़ा सा इशारा इधर उधर किया वैसे ही वो घोड़े हमारी जो इंद्रियाणी हया नाहुर इंद्रिया जो है विषयास्तेशु गोचरान विषय तो चारों ओर फैले पड़े हैं और इंद्रियां क्या है हयान ये घोड़े हैं विषय जो फैले हैं वो इसके दौड़ने के या इसके चलने के स्थान हैं हमारे मन रूपी लगाम को ठीक नियंत्रित यदि आप रखते हैं नियमित रखते हैं तो निश्चित रूप से कार्य को गति देंगे यदि चालक ठीक नहीं उसका सारथी ठीक नहीं है लगाम को कैसे चलाना है कहाँ ढीला करना है कहाँ उसको टाइट करना है किधर इशारा करना है यदि कोई ऐसा व्यक्ति घोड़सवार जो कभी घोड़ा ना चलाया हो कभी रथ ना चलाया हो तो उसको कभी कि, कितनी समस्याएं होंगी ज, क्योंकि घोड़े तो इशारों से चलते हैं लगाम के इशारे से चलते हैं अब इसका अनुभव तो किसी ने किया नहीं है लेकिन जो अनुभव करता है उससे ए, एक क्षण में जरा सा लगाम आपने टाइट की ढीली की तुरंत जैसे आ, हम कोई व्हीकल चलाते हैं एक्सलेटर लेते हैं ब्रेक मारते हैं हाँ तो उसका तो अनुभव है सबको लेकिन घोड़े चलाने का रथ चलाने का अनुभव सबको नहीं है लेकिन वो एक तथ्य है ऐसे ये उदाहरण जो दिया है कि मन को जो संभाल करके रखता है मन को जो एक करके रखता है तभी सुव्यवस्थित सुसंगठित और सुदृढ़ यह समाज बनता है राष्ट्र बनता है यह तीन तत्व हैं जिनके अप, अपनाने से कोई भी संगठन सुदृढ़ हो सकता है जो बिखरा हुआ है वो एक जो है माला के रूप में पिरोया जा सकता है अतः हम सबके विचार एक हों, निश्चित रूप से हमारे हृदय समान हों हमारी जो आंतरिक स्थिति है उसमें संकल्प का बहुत बड़ा रोल होता है यदि संकल्प हमारे ठीक हैं तो निश्चित रूप से आ, एक बात अक्सर कही जाती है कि जिनके संकल्प नहीं है जिनके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा नहीं है उत्कंठा नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे कोई उनसे पूछो क्या आपने क्या अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है आधी आयु व्यतीत तो हो गई है अभी इस विषय में विचार नहीं किया है जब जिसने किसी के प्रति किसी विद्या के प्रति किसी सिद्धि के प्रति किसी साध्य के प्रति कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो वो कहा जाएगा एक व्यवहारिक इसका परीक्षण आप करें आप वाहन से जा रहे हैं कहीं साइकिल कहीं भी जा रहे हैं और आप पूछे कि कहां आप जा रहे हैं एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी यह नहीं कहेगा कि अभी विचार नहीं किया कहाँ जा रहे हैं अरे जब वाहन पर सवार हैं, गाड़ी आपकी बढ़ी जा रही है और आप यह कहें कि अभी हमको पता नहीं कहां जाना है विचार नहीं किया है तो क्या कहा जाएगा ऐसे ही ये जीवन रूपी जो गाड़ी है ये आगे बढ़ी जा रही बढ़ी जा रही है और हमसे कोई पूछता कहां पहुंचे कहां जाना है और हमारे मुख से यदि ऐसा उत्तर निकलता है कि अभी विचार नहीं किया कहां जाना है तो कितना ये अनर्थ है कितना अपने प्रति अन्याय है हाईवे में गाड़ी ले जा रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रही गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है कहां जाएगी हमको पता नहीं चली जा रही है ये जीवन की रेल समझ कर खिलौना इसे यू नखेल ये जीवन की रेल जो है बढ़ी जा रही है हमको इतना तो पता होता है ये कहाँ जाएगी क्योंकि सुनिश्चित तो होता है कोई प्रयाग से दिल्ली तक जा रही है कोई दिल्ली से जम्मू तक जा रही है तो इतना तो पता है कि भाई वहां जाकर के ये ब्रेक लेगी लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है ये यदि हमने नहीं अपनाया तो लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों करोड़ों पत्ते पानी में बह जाते हैं। उनको पता नहीं कहां बह जा रहे हैं तो ऐसे अपने जीवन को हम समझें कि हम कहां जा रहे हैं संकल्प के साथ बढ़ें सिर पर बर्फ मुंह में शक्कर दिल में आग पैर में चक्कर ये तात्पर्य है कि हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती रहे हमारा मस्तिष्क ठंडा ठंडा कूल कूल अनुकूल रहना चाहिए प्रतिकूल ना हो एक दूसरे के प्रति क्या है हम बहुत जल्दी टेंशनाइज हो जाते हैं तनाव में आ जाते हैं छोटे से बच्चे को पूछो क्या बात है मेरे से बात मत करना मूड ऑफ है, है? मूड ऑफ है अरे छोटे बच्चे को जब उसका कोई ना परिवार की चिंता उसको है ना समाज की चिंता है ना खाने पीने की चिंता है उससे पूछो अभी मूड ऑफ है मैं टेंशन में बहुत टेंशन हो गया है तो छोटी सी उम्र में जब ऐसा रोग लग जाएगा तो बाकी जीवन की बात क्या कही जाए हमारे जीवन के संदर्भ में हमको बहुत ही सजग रहना चाहिए हमको चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए हमारा जैसे किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं आज दिल्ली जा रहे हैं आज प्रयाग जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं तो हमको निश्चित है कि वहां जाना है और क्या करना यह भी हमको सुनिश्चित है हमारे मन में ऐसे ही जीवन को हमने पाया है इसका क्या लक्ष्य है हम क्या कर रहे हैं जब इस सफर में निकल पड़े हैं तो रुकना नहीं है हम रुकना झुकना क्या जाने हम बढ़ते हैं सीना ताने ने दुख आता है तो आने दो सुख जाता है तो जाने दो हम वेद जान के दीवाने हम हम बढ़ते हैं सीना ताने ने निश्चित रूप से हमको ये जीना है हम ऋषियों का युग लाएंगे हम ऋषियों का युग लाएंगे हम वेद की ज्योति जलाएंगे हम वेद की ज्योति जलाएंगे हम दया आनंद के दीवाने हम दया आनंद के दीवाने हम बढ़ते हैं सीना ताने हम बढ़ते तो बस बढ़ते जाएं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं केवल इतिहास पढ़ना नहीं है, है। इतिहास गढ़ना है ऐसा काम करो कि तुम्हारा इतिहास पढ़ा जाए तुम इतिहास बन जाओ इतिहास बना करके जाओ ऐसा जो जीवन में लक्ष्य रखता है उसी का जीना और उसी का जाना इस संसार जानता है नहीं तो कितने लोग आए और मर करके चले गए कोई किसी को पूछता नहीं है उन्हीं को लोग पूछते हैं जो कुछ करके जाते हैं संगठन को बढ़ाना है संगठन को गढ़ना है इतिहास गढ़ना है यह वेद मंत्र ऐसा जो है हमको संकेत कर रहा है और ऐसे ही भाव से कुछ ओतप्रोत और वेद मंत्र हैं जिनमें अथर्वेद का मंत्र आता है सबके विचार समान हो सम्मो मनांसि सांव्रता समाकुतिर नमा नमामसी अमी ये विव्रतास्थन तान वह सम नमयामसी कह रहे हैं कि वह मनासी सम नमामसी सम नमामसी आकुति सम नमामसी अमी ये विव्रतास्थन तान व नमयामसी कि तुम्हारे मनो को हम तुम्हारे मन को तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों को एक प्रकार के भाव वाला बनाते हैं जो विपरीत कर्मों वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम झुकाते हैं अर्थात एक प्रकार के कर्म वाले बनाते हैं एक कर्म वाले बनाते हैं इस मंत्र में बताया कि समाज की एकता के लिए भी तीन जो है तत्व जैसे पहले बताया कि समान विचार समान कर्म समान लक्ष्य समान लक्ष्य होना चाहिए जब एक मन होंगे तो विचार भी समान होंगे मानसिक एकता भावों और विचारों की एकता को लाती है विचारों की एकता तभी सफल होगी जब उसके अनुरूप कार्य किया जाए विचार तो एक है जैसे मैंने कहा सिर पर बर्फ मुंह में शक्कर दिल में आग पैर में चक्कर हम सिर को बहुत अच्छा रखते हैं बहुत ठंडा ठंडा रखते हैं किसी से एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव नहीं रखते ठीक बात है बहुत मधुर बोलते हैं, अच्छी बात है मधुर संभाषण करते हैं, परस्पर एक दूसरे का आदर करते हैं लेकिन केवल दिमाग को ठंडा रखने से केवल मधुर भाषा से काम चलेगा क्या उसके लिए क्या करना है संकल्प करना है कि हमको क्या करना है इस जीवन के लक्ष्य को पूरा करना है समाज के लिए राष्ट्र के लिए संसार के लिए कुछ करना है संकल्प होना चाहिए तो दिल में आग संकल्प की अग्नि जलती रहे जैसे वेद की ज्योति जलती रहे बोलते हैं ना तो वेद क्या है विचार है तो विचार संकल्प यही तो इस वेद वेद मंत्र में कहा समानी व आकूति हम सबके क्या है संकल्प एक जैसे, समान एक एक जैसे होने चाहिए संकल्प कहें विचार कहें उद्देश्य कहें ये आकुति का तात्पर्य यही है कि हमारे विचार हमारे संकल्प हमारे उद्देश्य एक हो। और जो है है यही बात यहां है कि दिल में आग संकल्प की अग्नि सबके हृदय में जलनी चाहिए जो बुझ गया वो कभी प्रकाश नहीं दे सकता है अंधकार ही देगा धुआं देगा तो ऐसे संकल्प को नहीं रखना कि वो थोड़ी देर में आए थोड़ी देर में चला जाए संकल्प विकल्प विकल्प संकल्प ऐसा नहीं एक संकल्प कर लिया और फिर उसको जीवन में आगे बढ़ाते रहना अब केवल संकल्प हम रख लें अच्छे विचार भी हैं वाणी भी अच्छी है संकल्प भी अच्छा है लेकिन चौथी चीज क्या है कर्म करना पुरुषार्थ करना जो संकल्प किया है जो विचार किया है जो उद्देश्य बनाया है उसके प्रति क्या करना है पुरुषार्थ करना है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है इसलिए पैर में चक्कर पैर में क्या है चक्क। चक्कर पैर में चक्कर इसलिए वेद मंत्री कहता है कि समान जो है हमारे कर्मों को भी वह परमात्मा करें इसलिए निश्चित रूप से हमारे व्रत हमारे संकल्प एक जैसे होने चाहिए संकल्प और पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीता है वही संसार की धारा को बदल देता है संसार को ऐसा कर्म करें ऐसा उन्नत समाज बनाएं अपने कृतित्व से कि आप संसार के पीछे मत चलो संसार आपके पीछे चलने लगा ऐसा यदि हम इसी को तो बोलते हैं युग पुरोधा इसी को बोलते हैं युग पुरुष जो संसार के धारा को मोड़ दे पौरुष वही है जो धारा के विपरीत बहे धारा में जो धारा बह रही कोई भी बह जाता उसमें है बहाव में तो कोई भी बह जाएगा लेकिन धारा से विपरीत बहना अर्थात उस धारा को मोड़ देना मतलब गलत धारा को अच्छी धारा को नहीं कि जान की धारा को अब जो है अज्ञान की धारा मोड़ करके ले चले जाए ऐसा नहीं जो ऋषियों की परंपरा है जो वेदों की परंपरा है जो संकल्प हमने लिया है उस सात्विक संकल्प को सदा पूरा करने का प्रयास करें ऐसे इन वेद मंत्रों से हमको ऊर्जा मिलती है साहस मिलता है उत्साह मिलता है तो निश्चित रूप से यह आ, ऐसा ही ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ आपसे मिलेंगे ओ शांति शांति शांति